आप सब जितने मैंने अभी तक टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ और अपने अभी करेंगे और आगे, ठीक है? तो आप सभी नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई अपनी जारी रखें। लिखने की स्किल्स जो है ना, वो बहुत पे करती है। इफ़ यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल्स एंड इफ़ यू हैव अ गुड राइटिंग, देन इट विल पे यू। अब पे का मतलब ये नहीं कि पैसा देना, पे यू का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके वो चीज़ काम आएगी और राइटिंग अच्छी रहेगी तो उससे जो पढ़ेगा उसको भी इम्प्रेसिव लगेगा, आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। तो जो भी अपने कर रहे हैं काम और अब तक कर चुके हैं उसको आप अपने नोट्स मेंटेन करके रखें, ये नोट्स बाद में भी काम आते हैं। होता है कि कई बार हमें जब हम आगे पढ़ेंगे और पीजी करेंगे आगे और पढ़ाई करेंगे तो कैरियर मेकिंग पार्ट आ जाता है फिर, कि अब हम क्या करें। तो एक बहुत इजी जॉब है टीचिंग जॉब। इजी इन दी सेंस ये है कि आप पढ़ाना है आपको, जैसे डॉक्टर को क्या है, बीमारी को डायग्नोज करना है और उसकी दवाई देनी है, तो आपका आपको क्या है, पढ़ना है और पढ़ाना है। आप पहले पढ़ेंगे और किसी को पढ़ा देंगे, पढ़ना यूजफुल रहता है, कहीं ना कहीं काम आता है। और अच्छी राइटिंग होगी, अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो चीज़ आगे बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। तो जितने भी आप नोट्स बना रहे हैं, जो भी चीज़ लिख रहे हैं, उनको संभाल के एक डिसिप्लिन्ड मैनर में उनको रखिए, क्योंकि वो आगे आपके काम आएंगे, आपके ही काम आएंगे और किसी के काम नहीं आएंगे, जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे। जब आप किसी और को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ फिर उनके काम आ जाएगी, ठीक है? तो चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फैमिली जो है क्रूसीफेरी फैमिली है। अब तक हमने ने चार फैमिलीज कर चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ फ्लावर देख लिए हमने एक एक, ठीक है? और एज यूजुअल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी करना है और टेक्निकल फीचर्स भी करने हैं। क्रूसीफेरी फैमिली है, ब्रैसिकेसी फैमिली है, ये किसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इस फैमिली को। इसमें आ जाता है मस्टर्ड, जो अपने जनरल बात करेंगे मस्टर्ड से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है? जो सरसों यूज़ हम करते हैं, खाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसकी, मेडिसिनल भी है, ऑर्नामेंटल भी है, ऑयल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और वेजिटेबल के फॉर्म में भी एक कई चीज़ें काम आती हैं इस फैमिली से रिलेटेड। तो मस्टर्ड अपने देखेंगे। सो फैमिली क्रूसी फेरी जो है ना, इसमें एक तो आप ये याद रखें कि विच आर दी फैमिलियर प्लांट्स रिलेटेड विद दिस फैमिली। फैमिलियर मतलब, फैमिलियर का मतलब क्या होता है कि जो कि इनके इनसे कंसर्न है, इट इज़ कंसर्न टू दिस फैमिली। फैमिलियर प्लांट्स कौन कौन से हैं तो आप याद कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया ही है, बॉटनिकल नेम अपने साथ की साथ याद कर लेंगे, जैसे पिछली फैमिलीज में भी करा है। ब्रैसिका कम्पेस्ट ट्रिस, बेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है? इसको हम कह देते हैं मस्टर्ड इंग्लिश नेम, या आप कह देते हैं सरसों, ठीक है? SARSON, सरसों, क्लियर हो गया? दूसरा जो इसका प्लांट इस फैमिली से रिलेटेड है, ये आप खाते हैं, जो खाते हैं ना उसी की बात करूँगा मैं, रेफिनस सेटाइवस, ठीक है? इससे रिलेटेड आ गया रेडिश, क्या आ गया, रेडिश। और वर्नुकुलर नेम है मूली, मूली, ठीक है? तीसरा जो फैमिलियर प्लांट है इससे रिलेटेड, दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी, क्लियर है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा
थोड़ा सा मेरे को ये फोकस करने का रहता है कि फोकस रहे। ब्रैसिका आर ए पी ए रेपा, इसको हम कह देते हैं टर्निप। क्या कहते हो आप? टर्निप, ठीक है। और एस ए एल जे शलजम, सुना होगा आपने ना, नाम तो सुना ही है इसका, है ना? ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक इस फैमिली से रही, ये सारी चीजें हम खा रहे हैं, डेली यूज में ले रहे हैं, जो डेली यूज में हम चीज ले रहे हैं उसको तो याद रख सकते हैं। ब्रैसिका ऑलिरेसिया, ठीक है। बॉटनिकल नेम इसका मैंने लिख दिया, क्लॉली फ्लावर कह देते हैं इसको, या वर्नुकलर नेम, हिंदी नेम, या जो भी आप कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, फूल गोभी। फूल गोभी, देखें फूल गोभी हिंदी या पंजाबी में आप लिखते होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, फूल गोभी, ठीक है। एक इसी का और पार्ट है, ब्रैसिका ओ एल ई आर ए सी ई ए, ठीक है। इसको आप कह देते हैं कैबेज, कैबेज कैबेज, बंद गोभी। क्या कहते हो आप? बंद गोभी, ठीक है। ये वैरायटीज इनकी अलग अलग है, वैरायटीज जो है ना इनकी, ये अलग अलग है। जैसे मैंने अभी कॉलीफ्लावर का बताया, तो इसकी वैरायटी कौन सी है? यहां मैं लिख देता हूं, बॉट्राइटिस, बी ओ टी आर वाई टी आई एस, बी ओ टी आर वाई टी आई एस, बॉट्राइटिस। और बंद गोभी का क्या है? बंद गोभी, बंद गोभी है ना, वैरायटी सी ए पी आई टी ए टी ए, कैपिटेटा। तो ये फैमिलियर प्लांट्स हैं जो कि इस फैमिली से रिलेटेड है। समझ में आ गया आपको? अपने एक मस्टर्ड की बात करेंगे, फ्लावर जो है मस्टर्ड, या जो सरसों का जो फ्लावर होता है, फ्लावर मस्टर्ड, विच बिलोंग्स टू ब्रैसी केसी और क्रूसी फेरी फैमिली, फ्लावर मस्टर्ड। सो द फर्स्ट पार्ट इज इनफ्लोरोसेंस, पहला पार्ट गया इसमें। अब तक आप जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे ही हमें देखना है, इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस। व्हाट इज इनफ्लोरिसेंस इन मस्टर्ड? इट इज रेसमोस रेसिम, रेसमोस टाइप की रेसिम फॉर्म है। ये मैंने पहले आपको इनफ्लोरेसेंस वाला जो वीडियो भेजा था, मेरे वीडियो आप देखते रहे, मैंने अलग अलग प्लासेंटेशन, इन्फ्लोरोसेंस, ठीक है, एस्टिवेशन, इससे रिलेटेड वीडियो भेजे थे, तो वो आप पढ़ते रहें, पहले भेज दिए थे तो उसको जरूर देख लें, तो इजी हो जाता है पढ़ना। नेक्स्ट इज फ्लावर, फ्लावर। तो फ्लावर में एक तो आप याद रखें ई ब्रैक्टिएट हैं, ब्रैक्ट्स नहीं है। जैसे जो एपोसाइनेसी फैमिली करी थी उसमें मैंने आपको ब्रैक्ट्स दिखाए थे, ई ब्रैक्टीएट, ठीक है। फ्लावर की स्टॉक है तो इसको हम कह देंगे पेडिसिलेट, दिख रहा है आपको? हाँ जी, पेडिसिलेट। फ्लावर में कोई भी ऑर्गन एब्सेंट नहीं है तो मैंने कह दिया कंप्लीट। फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटें, एनी प्लेन, देन इट विल डिवाइड इन टू टू इक्वल हाफ, इट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, ओवरी एंड्रोशियम गाइनोशियम, ठीक है। हाँ, इसमें एक आप नई चीज देखेंगे, टेट्रामिरस। पिछले जो मैंने एपोसाइनेसी फैमिली कराई थी उसमें मैंने आपको बताया था पेंटामिरस, इट इज टेट्रामिरस कंडीशन ऑफ कैलेक्स एंड करोला। टेट्रामिरस का मतलब क्या होता है? चार, फोर, तो अभी दिखाऊंगा फोर कैसे। हाइपोगाइनस मतलब ओवरीज